भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में बीते दिनों हुए तख्तापलट के बाद से ही पूरे देश में इस मुद्दे पर जमकर चर्चाएं जारी हैं। इसी बीच पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी कल बांग्लादेश पर जमकर फायर हुई। ममता बनर्जी ने बांग्लादेशी नेताओं के उस बयान का जवाब दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार है। ममता ने कहा कि आपको क्या लगता है, आप हमारी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे तो हम लोग लॉलीपॉप खाते रहेंगे। इसके साथ ही बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे उत्पीड़न और तमाम मामलों पर ममता बनर्जी ने कहा कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो ठीक नहीं है, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, उपद्रवी दंगे कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसी कोई टिप्पणी ना करें जिसका यहाँ असर हो। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि हम दंगे नहीं चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं। ये उत्तर प्रदेश नहीं है कि मैं आपको बैन कर दूं, लेकिन मैं आपसे अपील करती हूँ कि सही तरीके से रहिए। कुछ फर्जी वीडियो वायरल किए जा रहे हैं, एक खास राजनीतिक दल ऐसा कर रहा है, राजनीति मत कीजिए। इसके साथ ही सीएम ममता बनर्जी ने आगे कहा कि बहुत से लोग दूसरी तरफ से यहाँ आना चाहते हैं, लेकिन बीएसएफ निगरानी कर रही है, हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, सीमा हमारी चिंता का विषय नहीं है। मैं सभी से अनुरोध करती हूँ कि कोई भी ऐसी भड़काऊ बातें ना करें, हम दूसरी तरफ के बंगालियों को राष्ट्रवाद, करुणा और स्नेह की भावना दिखाएं। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने आगे कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि वो बिहार पर कब्जा करेंगे, ओडिशा पर कब्जा करेंगे। मैं उनसे कहती हूँ कि आप अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और सुंदर रहिए। आप में तो क्या किसी में भी इतनी बड़ी हिम्मत नहीं है कि वो बांग्ला, बिहार और ओडिशा सब पर कब्जा कर लें और हम बैठकर लॉलीपॉप खाएंगे, ऐसा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। इसके साथ ही आपको बता दें कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी रुहुल कबीर रिजवी ने रविवार को एक जनसभा में भारत को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि भारत हर कदम पर बांग्लादेश को नुकसान पहुंचा सकता है, उसने शेख हसीना को इसीलिए ही शरण दी है। इसके साथ ही रिजवी ने कहा था कि अगर भारत चटगांव मांगता है तो हम बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर कब्जा कर लेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।